आपको क्या लगता है कि आप किस वजह से आपको सक्सेस मिली फाइवर पे क्या क्या लगता है वो तीन चीज़ क्या होंगे अगर मेरे हिसाब से देखें तो मेरा ऑनेस्टी रहता था हमेशा से अगर मुझे कोई भी क्लाइंट चाहे काम वो काम में ऑनेस्टी वेबसाइट का, का काम दे रहा है तो मैं पूरे जी जान से उसका काम करके देता था कि हाँ उसकी वेबसाइट एकदम फंक्शनल हो उसके कोई भी इशूज ना रहे अगर वो दस दिन बाद भी किसी चीज के लिए रीच आउट करता था तो मैं बिना किसी चार्ज के उसको हेल्प करता था तो एक तो ये है कि ऑनेस्ट रहना पड़ेगा चाहे आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं अपना बेस्ट दीजिए दूसरा कि फिर उनको जैसे मैंने बताया कि अगर बाद में रीच आउट कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए ऐसा नहीं कि एक बार ऑर्डर हो गया तो बाय हो, हो गया बाय बाय <laughs> तो फिर उसके बाद वो क्लाइंट मतलब देखिए फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे क्या है ना कि एक बार वो तीस चालीस ऑर्डर दे देते हैं हाँ। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो रिटर्निंग बायर्स बने मतलब जो आपका क्लाइंट है वो वहीं आपका फिर रिटर्निंग बायर बने तो इस चीज में अगर आप उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपको रिटर्निंग बायर्स नहीं मिलेंगे तो ये मिला के चलना होगा कि काम अच्छा दें और अगर वो सपोर्ट मांग रहे हैं तो उसको वो प्रोवाइड करें फिर हो सकता है कि आपका ऐसे एक क्लाइंट बेस बन जाए क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं चाहिए अगर आपके पास जैसे राइटिंग को पकड़ लें तो ऐसा नहीं है कि आप पचास क्लाइंट चाहिए तब जाके आप राइटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ तीन क्लाइंट्स हैं और उन सबके लिए आप दस दस आर्टिकल महीने में लिख रहे हैं तो आपका काम चल रहा है बिल्कुल तो वो तीन क्लाइंट आइडेंटिफाई करने के लिए उनसे अच्छा रिलेशन चाहिए कि उनका काम आप अच्छा से करके दें और फिर अगर उनको कुछ इशू हो कुछ रिविजन्स हो कॉन्टेंट में तो वो करके दें बहुत सारे राइटर्स में देखता हूँ कि वो रिविजन से भागते हैं अगर कोई क्लाइंट बोल दे कि हाँ इस पर ये दस चीज़ें चेंज करके दो तो वो फिर उससे मतलब भागने लगते हैं अगर उसमें इशू है तो उसको ठीक करके दो फिर आगे करियर बढ़ेगा